आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और मैं हूँ पूजा और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना ग्रोसरी के बारे में कि मैं एक महीने में क्या क्या ले कर के आती हूँ। तो चलिए शेयर करती हूँ। तो मैं 250 ग्राम का पैकेट काजू, ये काजू है 250 ग्राम का, बादाम ये भी 250 ग्राम के हैं, ग्राम के हैं, हमने 250 ग्राम चाहिए था और उनके पास 500 ग्राम का पैकेट था, तो इसकी वजह से उन्होंने कि मुझे इसमें से 250 ग्राम मुझे मैं ले ली हूँ। इससे दाल वगैरह, तो देखिए दाल वगैरह जो है हमारे यहाँ लूज में आता है और जहाँ से हम सामान लाते हैं ना वहाँ पे परमानेंट मतलब सेल होता रहता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रुकी हुई रहती है, सामान काफ़ी दिन हो जाता है फिर हम यूज करते हैं ला करके, ऐसा नहीं, वहाँ पे परमानेंट सेल होता ही रहता है सामान, तो इसी वजह से अगर वहाँ पे लूज भी लो सामान तो अच्छी निकलती है, ख़राब नहीं निकलती। तो ये मैं सर्व कर रही हूँ, 500 ग्राम चना की दाल है ये, ये मसूर की दाल है बिना छिलके वाली, देख सकते हैं आप, चना की दाल और मसूर की दाल, ये काले वाले चने हैं, ये भी 500 ग्राम के ही हैं, 500 ग्राम के ही हैं छोले, देख सकते हैं। ये मूंगफली है 250 ग्राम, ये रिफाइंड ऑयल है 1 kg का, और जो मस्टर्ड ऑयल था वो मैं खो चुकी हूँ, 2 kg का था वो मैं निकाल चुकी हूँ, मुझे चाहिए था इसी वजह से। ये पोहा है 500 ग्राम का, मैदा है 1 kg का, 2 kg का चीनी है, ये टमाटर सॉस, ये कोलगेट है हमारे पास, बड़े वाले कोलगेट थे इसी वजह से हम इस महीना छोटे वाले कोलगेट लाए हैं, जब हमारे पास कोई भी सामान एक्स्ट्रा रहता है तो हम वो चीज़ कम लाते हैं कि हमारा मैनेज हो जाए इस महीना में, फिर हम अगले महीना फिर बढ़ा करके सामान लेंगे। आप जो ये सब सामान देख रहे हैं ये कम है मेरे पास, और भी पिछले महीना का वो बची, जो अगले महीना का था वो मेरे पास बची हुई थी सामान, दाल छोले चने काले चने मूंग की दाल वगैरह और भी सारे चीज़ वो सब बचे थे, इसी वजह से मैं हिसाब में सामान लाती हूँ जो एक महीना यूज हो जाए फिर हम दूसरे महीना ले करके आए। तो आप देख सकते हैं छोटे कोलगेट, मेरे पास बड़े वाले कोलगेट थे इसी वजह से इस बार मैंने छोटे वाले लिए हैं, और हम लोग डिटॉल साबुन यूज करते हैं, 4 का सेट है ये, दो लरी शैम्पू, 1 kg का सरफ एक्सल का पैकेट, मेरी बेटी का है जो कि और भी सारी चीज़ मतलब निकाल के इधर उधर कर चुकी है, जो उसका नज़र मतलब जो नज़र में आया वो तो वो खोल दी और जो बचा है वो मैं दिखा रही हूँ, पैकेट है शायद 500 ग्राम के, तो ये सिंपल में है, इसमें ज़्यादा मतलब मसाले वाले तड़क भड़क नहीं है, ये सिंपल से
और एक ये बिस्कुट का पैकेट भी खुल चुका है। तेल और ये खुल चुकी है दोनों, मस्टर्ड ऑयल और ये खुल चुकी है। बाकी जो आपको घर के बारे में मतलब जो भी सामान मैं लेकर के आई थी वो मैंने आपसे शेयर किया। और देखिए मैंने कम इसलिए सामान लेकर आई क्योंकि मेरे पास पहले से और भी हैं बचे हुए, इसलिए ताकि इस महीना मैं कम लेके आऊँ तो दोनों मिक्स करके ये मतलब महीना कट जाए, उसके बाद फिर मैं अगले महीना फिर ज़्यादा लेके आती हूँ। और फिर बात आया चावल और आटा का, तो चावल और आटे भी थे मेरे पास इसलिए मैं नहीं लाई हूँ। प्रॉपर एक महीना चल जाएगा चावल और आटा, तो जब घर में आपके सामान हैं तो फिर क्यों लाना, वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम लेकर के आएंगे। तो इसी वजह से हम कम लेकर के आएंगे। हर एक चीज़ मतलब दाल वगैरह, चने वगैरह, छोले वगैरह हर चीज़ है, इसी वजह से मैं इस बार कम सामान लेकर के आई हूँ ताकि वो यूज दोनों मिक्स करके यूज हो जाए, फिर अगले महीना आ जाएगा इकट्ठा जो भी सामान आते हैं और भी बढ़ा करके, ठीक है। और इधर मेरी बेटी है जो कि सॉस देखते के साथ खाना स्टार्ट कर दी है, सॉस उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे तो देख ली सॉस, तो अब तो उसे चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं खा लो। तो मैं आपसे शेयर की अपने घर के राशन के बारे में, और अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपसे मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए। प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।